एंड यू वाचिंग माय चैनल रोसेस टिप्स, जहां से मैं हर रोज शेयर करती हूँ ब्यूटी टिप्स, इंटीरियर डेकोरेशन टिप्स एंड कभी कभी डेली लाइफ टिप्स भी। आज मैं मेबलिन न्यूयॉर्क की जो मैट लिपस्टिक है इसको यूज़ करके बताऊंगी किस तरह से इसको प्रॉपर वे से यूज़ किया जा सकते हैं और जिससे लिप पर जो फिनिशिंग वो फिनिशिंग ठीक से आ जाए और बाद में इसको कैसे रिमूव भी किया जा सकते हैं आसानी से। फ्रेंड्स, लिप अगर ड्राई हो या लिप पे कोई क्रैक है तो मैट लिपस्टिक यूज़ करने से वो दिख पड़ती है। तो मैट लिपस्टिक यूज़ करने से पहले लिप को पहले स्मूथ करना चाहिए। वो तो कैसे करेंगे हम, स्मूथ कैसे करेंगे? तो इसके लिए यूज़ करना चाहिए आपको टूथब्रश से किस तरह से हम लोग पहले लिप को अच्छे से घिस कर वो स्मूथ बनेंगे, चलिए देखते हैं। पहले गीला ब्रश ले लो। देखो यहाँ पर मैं गीला ब्रश ले लिया हूँ। फिर हल्के हाथों से धीरे धीरे करके रफ करने लगो अपनी लिप को, कुछ इस तरह से। इसे लिप बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं। फिर इसको अच्छे से पोंछ लीजिए और कोई भी लिप बम, जैसे मैं तो पॉन्स पसंद करती हूँ, पॉन्स लगाऊंगी। आप वैसलिन भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी पसंद है। इस तरह करने से जिसके लिप पर ब्लैक बॉर्डर आ जाते हैं वो भी धीरे धीरे करके गायब हो जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं। फिर इसको हल्के से टॉवल से पोंछ लो। मैट लिपस्टिक ऐसे यूज़ करने से बॉर्डर लाइन की जो फिनिशिंग वो अच्छे नहीं आते हैं। तो लिपस्टिक यूज़ करने से पहले बॉर्डर लाइन खींच लीजिए लिप लाइनर से। इस तरह से बॉर्डर लाइन को आगे पहले कवर कर लीजिए। याद रखिएगा, मैट लिपस्टिक के जो एक ड्रॉप पहले लेते हैं वही आपको यूज़ करना है। ज़्यादा यूज़ करने से ओवर हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं, स्टिकी सा भी लगते हैं। तो जो एक ड्रॉप पहले उठाते हैं वही आप में यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर फिनिशिंग कितने अच्छे आए हैं और कितना स्मूथ भी लग रहे हैं। मैट लिपस्टिक को रिमूव करने के लिए आसान तरीका है, उसके ऊपर कोई भी बाम लगा लीजिए, लिप बाम लगा लीजिए। मैं यहाँ पर पॉन्ड्स लगाऊंगी, तो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लगा लीजिए और इसको 4 मिनट तक छोड़ दीजिए ऐसे। ऐसे 4 मिनट तक छोड़ने के बाद कोई भी टॉवल या रुमाल से आप इसको जस्ट पोंछ लीजिए। देखिए कितने आसानी से ये रिमूव हो गया है। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मेरे चैनल और बाजू में जो बेल आइकन होते हैं उसको भी दबा दीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के पहले। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक दीजिएगा और अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलो आज के लिए बाय बाय।